जिसकी मैं पहले वाले ब्लॉग में बात कर रहा था वो ये लेंस है। 360 होता है ये, इसके इधर भी लेंस होता है और इधर भी लेंस है, दोनों साइड लेंस है। और जो इसमें लगा हुआ है ये 1 इंच लेंस है जो अभी इसमें लगा हुआ है और इससे शूट हो रहा है। कैमरा कॉम्पैक्ट है, हल्का है, डेली व्लॉग के लिए ठीक है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ एक तरीके से, डेली व्लॉग मैं करता नहीं हूँ, 3 दिन में 4 दिन में या 1 हफ्ते में 1 व्लॉग आता है मेरा, और अब डेली व्लॉग करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते फिर। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और ये Insta360 1x 1 इंच लेंस के साथ। 360 लेंस जो है उसकी बात किसी और व्लॉग में कर लेंगे। अभी फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि मैं 10 दिन के लिए कंटिन्यू व्लॉग डालू, मतलब लाइफस्टाइल व्लॉगिंग और डेली व्लॉग डालू, एक डाल ही दू, तो वो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अब। आई विश अच्छा जाए। और अभी तुम लोग दिख ही रहा है, पहले मैं मुंह धोता हूँ फिर बात करते हैं आगे की, ठीक है। हाँ जी भाई, तो फेस वॉश हो गया अपना पूरा कंप्लीट। तो ये जो 10 दिन का मैं टारगेट लगा के चलूँ, इससे क्या होगा, इससे इस कैमरा का जो एक प्रॉपर होता है ना, डेली व्लॉगिंग के लिए यूज कर सकते कैमरा की नहीं कर सकते इसको, तो वो टेस्ट हो जाएगा और मेरे को पता चल जाएगा कि इससे डेली व्लॉगिंग कर सकते कि नहीं कर सकते। क्योंकि जो मेरा सेटअप है वो काफी बड़ा है, उसमें एक कैमरा है, फिर ऊपर माइक है, फिर नीचे गोरिल्ला ट्राइपॉड है, तो काफी लंबा सेटअप हो जाता है, उसको डेली यूज नहीं कर सकता मैं, क्योंकि बार बार असेंबल करना पड़ता है उसको। और ये सिंपल कैमरा है और इसका जो माइक है वो इनबिल्ट माइक से आवाज आ रही होगी। अभी तक सही काम किया इसने, पर मैं देखना चाहता हूँ कि कितना ज्यादा टफ यूज करने पे भी ये बंदा परफॉर्मेंस देगा अपनी, उतनी अच्छी जितनी इसने पहले वाले व्लॉग में दी है, तो वही टेस्ट करेंगे हम। बाकी 10 लोग जो होंगे वो Insta360 1x और 1 इंच लेंस से ही होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टाइम हो रहा है 6:13 और शाम को ये ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं 1 बजे तो उठा था सो के। सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को इस कैमरे का क्या लगता है कि इसकी डिस्प्ले हम आगे ला सकते हैं। मैं एक फोटो खींच के अपलोड कर दूंगा या मैं वीडियो ही बना लेता हूँ। अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ ये मैं अपने फोन से कर रहा हूँ और इसके कैमरे की डिस्प्ले आगे हो चुकी है और कैमरे से फोन को शूट हो रहा होगा अभी, तो मैं एक क्लिप ऐड कर दूंगा इसमें। ये सबसे बेस्ट पार्ट लगता है मेरे को इसका, क्योंकि इसके जो भी अलग अलग पार्ट असेंबल होके एक कैमरा जो बनता है ये, इसमें 360 लगा सकते हैं, उसकी डिस्प्ले आगे कर सकते हैं। इसका जो 1 इंच लेंस है इसकी जगह 4K लेंस भी लगा सकते हैं। ये 5K है पर अभी मैं शूट कर रहा हूँ 4K में और 30 FPS में शूट कर रहा हूँ। आज का सीन चलते चलते बताता हूँ क्या। तो आज का प्लान है कि वो गाड़ी गाड़ी साइकिलिंग करने जाना है। साइकिलिंग मैं सुबह करने वाला था पर सुबह उठा था मैं, वो रिकॉर्डिंग देखो तुम, उसके बाद मैं बात करता हूँ। अभी कैमरा असेंबल कर देता हूँ साइकिल पे, फिर चलते चलते बात करेंगे। तो हमारा मतलब मैंने रात में प्लान बनाया कि सुबह थोड़ा ध्यान देंगे फिटनेस पे, पर इसमें पीछे हवा नहीं है और आगे थोड़ी सी हवा बाकी है। सोचा था कि आज जैसे तैसे करके निकालनी होगी, चाहे 8 बजे चाहे 9 बजे निकालनी है, और अभी टाइम हो रहा है 8:30 और ये अभी ऐसी की ऐसी है पड़ने वाला। तो इसकी वायर गाड़ी के अंदर और अब भरे हवा। ये साइकिल में कैमरा हो गया है और जो तुमने रिकॉर्डिंग देखी वो सुबह की थी, उस टाइम पे साइकिल में हवा वगैरह नहीं थी। मैंने गाड़ी से ट्राई किया पर कभी कभार कामयाब नहीं हो पाते हम। फिर मैंने अब कर लिया पूरा पूरा सेटअप, तो अब चलते हैं, ठीक है, जल्दी से। वेगस है, द्वारका सेक्टर 14 का मॉल, लगभग फेमस ही है तो सबको पता ही होगा। और ये जो साइकिलिंग करने का सीन हमने स्टार्ट किया है, इससे एक तो फिटनेस हो जाएगी, ऊपर से ये जो पेट का है ना ये भी ठीक हो जाएगा। तो अभी विशाल है मेरे साथ और यही है आजकल के सीन, और आगे भी ऐसे ही रहेंगे क्योंकि डेली व्लॉग में मैं कुछ स्टोरी लेके नहीं चल सकता, तो जैसा भी आप लोगों के सामने है। और फिटिंग में पता चला कि जो इसका लेंस का जो ब्राइटनेस है ना वो कुछ ज्यादा ही ब्राइट कर देता है। इसमें IOS वगैरह सीन सेट करने का मेरे को अभी पता नहीं है कैसे किया जाता है, होता होगा पर मेरे को पता नहीं है। तो जैसा भी शूट हो रहा है ये आज का व्लॉग है। तो विशाल, मेट्रो, साइकिल और रास्ता।
भी सामान लिया है और थोड़ा सा जाम लगा हुआ है वहाँ पे। विशाल अभी कॉल करके पूछ रहा है कि क्या लाना है। तो मेरे को पता है काफ़ी छोटा व्लॉग बनाइए, पर इस व्लॉग के लिए इतना रखते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और ख्याल रखें अपनों का अपना। बाय बाय व्लॉग या वीडियो में। अब तो यही चलता रहेगा, जो होगा वो दिखाता रहूँगा।